हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त के दिन स्वाधीनता दिवस मनाया गया, लेकिन इस बार आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर स्वाधीनता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। पूरे देश के साथ शिल्पांचल में भी आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम और जज्बे के साथ मनाया गया। इस बार की स्वतंत्रता दिवस की खास बात यह रही कि हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा न सिर्फ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में ही फहराया गया, बल्कि इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा मुहिम चलाई गई, जिसकी कुछ तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। आसमां से आगे जाना है। महाविद्रोह 1905 ईस्वी में इस प्रकार बढ़ा कि वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की एकता स्वागत करें। हजारों द्वारा
अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। इफ यू आर अ फूडी एंड वांट टू स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली देन
welcome to the Peppery. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Peppery, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त के दिन स्वाधीनता दिवस मनाया गया, लेकिन इस बार आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर स्वाधीनता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। पूरे देश के साथ शिल्पांचल में भी आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम और जज्बे के साथ मनाया गया। इस बार की स्वतंत्रता दिवस की खास बात यह रही कि हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा न सिर्फ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में ही फहराया गया, बल्कि इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान हर घर तिरंगा मुहिम चलाई गई, जिसकी कुछ तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं।